सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नया फ्रेश एडिटिंग का वीडियो लेकर। सो गाइज, इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं ऐसे सैड फोटो एडिटिंग कैसे करें, और कुछ इस तरीके का अपना बैकग्राउंड कैसे बनाएं, और कुछ इस तरीके से अपने फेस को स्मूथ कैसे करें। सारा ट्यूटोरियल इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, और आज की एडिटिंग जो है बहुत ही आसान होने वाली है। तो वीडियो के लिए अभी से लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, हम आपको दिखाते थे पहले हमारी फोटो गाइस कुछ इस तरीके के दिखती थी। आप देख सकते हैं गाइस कैसा हमारा बैकग्राउंड है और किस तरीके का हमारा पूरा फेस है। इसको गाइस हमने जब एडिट किया है तो कुछ इस तरीके का हमारे सामने एडिट होकर आई है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा अपना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे नॉर्मल फोटो को हम स्नैपचैट में ओपन करेंगे। तो स्नैपचैट में आ जाने के बाद सबसे पहले तो यहाँ टूल्स पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ तो गाइस यहाँ पर ही HDR वाला टूल है, उस पर हमें क्लिक कर देना होगा। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन रखेंगे, और इसकी ब्राइटनेस को माइनस करेंगे, और सैचुरेशन को जो है उसको इंक्रीज कर लेना होगा। देन फिल्टर थे ना गाइस, उसको हमें करीबन इतना कर देना है, ठीक है। फिर गाइस हमें यहाँ से डन कर देना होगा। सो इतना कर देने के बाद सिंपल सा गाइस फिर से हम लोग यहाँ टूल्स पर क्लिक करेंगे। सो अभी हम यहाँ टून इमेज पर क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ से इसकी कॉन्ट्रास्ट को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। सॉरी गाइस, माइनस में करना होगा कॉन्ट्रास्ट को, और सैचुरेशन को इंक्रीज और एम्बिशन को इंक्रीज कर लेंगे करीबन 100 तक, ठीक है गाइस। और हाईलाइट को डिक्रीज कर देना होगा 100 तक, और शाडो है ना गाइस उसको हमें इंक्रीज कर लेना होगा करीबन इतना। और गाइस इसको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से हमें डन कर लेना होगा। इतना करने के बाद सिंपल सा हमारे फोटो पर हम डिटेल ऐड करेंगे। सो उसके लिए सिंपल सा टूल्स पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ डिटेल वाले टूल पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। सो यहाँ से शार्पनिंग को हम इंक्रीज करेंगे करीबन इतना कर देना है। देन यहाँ से टेम्परेचर को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना होगा। अभी यहाँ से भी हमें डन कर देना है। तो इतना कर देने के बाद सिंपल सा गाइस आप देख सकते हैं हमारे फेस पर बहुत ही ज़्यादा सैचुरेशन आ चुकी है, उसको हमें कम करना होगा। सो उसके लिए सिंपल सा टूल्स पर हमें क्लिक कर देना है। देन यहाँ सिलेक्टिव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और जहाँ पर सैचुरेशन है उसको हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सैचुरेशन को माइनस, देन ब्राइटनेस को प्लस कर लेना होगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से पूरे फेस को हमें जो है मैनेज कर लेना है। सो चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा फेस जो है मैनेज हो चुका है, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कैसा हमारा पूरा फोटो हो चुका है। अभी गाइस फिर से यहाँ टूल्स पर एक बार हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ टोनल कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन में हमें चले जाना है। देन यहाँ से मिड टोन को हमें बढ़ा लेना होगा करीबन इतना। अभी गाइस यहाँ से भी हमें डन कर लेना होगा। सो गाइस फाइनली हमारी पूरी फोटो जो स्नैपचैट में एडिट हो चुकी है, अभी यहाँ डन पर क्लिक करके सेव कर लेना होगा। तो गाइस हमारी फोटो आ चुकी है गैलरी में। अभी हम यहाँ से शेयर करेंगे सीधा लाइट रूम में, ठीक है गाइस। इस फोटो को हम यहाँ से लाइट रूम में शेयर करेंगे। सो हमारी फोटो हो चुकी है लाइट रूम में सेव। अभी गाइस हम यहाँ से सीधा जाएंगे लाइट रूम ऐप में। तो चलिए चलते हैं लाइट रूम ऐप में। तो गाइस हमारी फोटो जो है लाइट रूम में ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी गाइस इस फोटो को हम प्रीसेट की मदद से एडिट करने वाले हैं। सो गाइस एरे यो प्रीसेट। तो गाइस इस वाले प्रीसेट को यूज़ करके हम उस फोटो को एडिट करने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस। वैसे तो गाइस ये कोई प्रीसेट नहीं है, मैंने खुद से ही बनाई है ताकि हमारा वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने सारा प्रोसेस करके एक प्रीसेट में ऐड कर लिया था। अभी गाइस सिंपल सा यहाँ 3 डॉट पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ से कॉपी सेटिंग पर हमें क्लिक कर देना है। देन यहाँ डन पर क्लिक कर देना होगा। अभी गाइस उसी फोटो में आ जाना होगा जिसको हमें एडिट करना है। यहाँ पर भी हम सेम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमें पेस्ट सेटिंग कर देना है, ठीक है। सो गाइस पेस्ट सेटिंग करते कुछ इस तरीके की आपकी फ़ोटो जो है एडिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। अभी गाइस इस फोटो को यहाँ शेयर पर क्लिक करके सेव करेंगे, और इस फोटो को हम ओपन करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो गाइस चलिए ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी ऑटोडेस्क स्केचबुक में हमारी स्किन को जो है स्मूथ करने के लिए। तो गाइस स्किन को स्मूथ करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पेंसिल वाला आइकन पर हमें क्लिक कर देना होगा। देन गाइस यहाँ पर हमें स्मूथ वाले ऑप्शन में आ जाना है, ये वाले ऑप्शन में आ जाना होगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पर यह वाला ब्रश हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसकी सेटिंग को आप देख लीजिए गाइस, फ्लो है ना गाइस उसको हमें 1 रखना है, और स्ट्रेंथ को करीबन 15 कर देना है, ठीक है। 15 रखना है स्ट्रेंथ को, और साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो अपने फोटो के हिसाब से, ठीक है गाइस। अभी गाइस कुछ इस तरीके से हमें जूम कर लेना होगा हमारे फेस पर, और साइज़ यहाँ से मैनेज करेंगे, और बिल्कुल ही हल्के हाथों से इस ब्रश को हमें हमारे फेस पर चला देना होगा कुछ इस तरीके से, और ऐसे गोल गोल आकार से चलाएगा गाइस, जिससे आपकी फेस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ हो पाएगी, आप देख सकते हैं।
और कुछ इस तरीके से ब्रश को चलाएंगे ऐसे गोल गोल आकार में, और जितना हो सके उतना जूम करके स्मूथिंग करिएगा। और गाइस फेस का एंगल चेंज करके स्मूथिंग करिएगा, तभी आप अच्छे तरीके से स्मूथिंग कर पाएंगे। और बिल्कुल ही आराम से स्मूथिंग करिएगा, और जहाँ पर ब्लैक हो उसके विरुद्ध से स्मूथिंग करेंगे तो गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथिंग कर पाएंगे और हमारे फेस पर कहीं पर भी ब्लैक नहीं आएगा, आप देख सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस मैं जल्दी से पूरा फेस स्मूथ करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि हमारा वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो। तो गाइस फाइनली हमारा पूरा फेस जो है यहाँ पर स्मूथिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से स्मूथिंग हो चुका है। लेकिन गाइस हमारा हैंड जो है ब्लैक रह चुका है, और कहीं पर हमारा फेस ब्लैक है तो कहीं पर वाइट है, उसको हम मैनेज करेंगे एक ही लेवल में करेंगे। तो उसके लिए लेयर वाले ऑप्शन में जाकर लेयर बना देना होगा, देन उस लेयर की ब्रांडिंग मोड को यहाँ से सॉफ्ट हाइलाइट कर देना है, ठीक है गाइस। अभी गाइस सिंपल सा यहाँ ब्रश वाला आइकन में चले जाना है, ठीक है। देन यहाँ लाइब्रेरी में आ जाना होगा, और यहाँ पर गाइस ये वाला ब्रश हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिंपल से यहाँ कलर वाले ऑप्शन पर हमें चला जाना होगा, देन यहाँ से हमें हमारी स्किन का कलर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जहाँ पर ब्लैक है ना गाइस, उस पर इस ब्रश को हमें चला देना होगा, ठीक है, जिससे हमारा फेस जो है एक लेवल में हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी स्किन जो है ब्लैक है वहीं पर हम चलाएँगे इसको। तो चलिए गाइस मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस हमारी स्किन जो है लेवल में हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारी स्किन भी लेवल में हो चुकी है। अभी गाइस हम क्या करेंगे, सिंपल सा लेयर वाला ऑप्शन में चले जाएंगे, देन यहाँ से इसकी ओपासिटी को हम मैनेज करेंगे, हमारी पूरी स्किन एक ही लेवल में दिखे उस तरीके से हम मैनेज करेंगे यहाँ से। तो गाइस हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमारी स्किन जो है एक ही लेवल में हो चुकी है। तो गाइस इस फोटो को हमें यहाँ से सेव कर लेना होगा और आ जाना है पिक्सर में। तो सेव करने के लिए सिंपल सा शेयर पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना होगा और आ जाना होगा पिक्सर में। तो गाइस हमारी फोटो को लेकर हम आ चुके हैं पिक्सर में। तो गाइस पिक्सर में सिंपल से हम यहाँ पर 2-3 PNG ऐड करेंगे, सो उसके लिए ऐड फोटो पर चले जाना होगा। देन गाइस कुछ ये वाले PNG हम ऐड करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस अब ये यहाँ क्रॉप पर हमें क्लिक कर देना होगा, ठीक है। सो यहाँ क्रॉप पर हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम सिंपल सा ये वाला जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से डन कर देना होगा। सो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे, कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से हमें सेट कर लेना होगा। फिर इरेज वाला ऑप्शन में आकर यहाँ से हम हल्का हल्का इरेज कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कर देना होगा, फिर यहाँ से डन कर देना होगा। सो गाइस कुछ इस तरीके से फिर से हमें दूसरी PNG को भी ऐड कर लेना होगा। सो इस पर भी हम क्रॉप में जाएंगे, क्रॉप वाले ऑप्शन में आकर ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से भी डन कर देना होगा। तो गाइस इसको हम आइस के इस साइड पर सेट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर इसको भी इरेज कर देना होगा हल्का हल्का ऊपर से कुछ इस तरीके से। अभी गाइस इसको भी हम लोग यहाँ से डन करेंगे। सो गाइस कुछ इस तरीके से सारी PNG को हमें ऐड कर लेना होगा, बाकी के PNG मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमारा वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा। तो गाइस एक लाइट वाले PNG में आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, उसमें हमें कुछ अलग करना होगा, इसलिए मैं हमें लाइट वाले PNG ऐड करके दिखा देता हूँ। सो गाइस ये रही हमारी लाइट वाले PNG, इसको हमें ब्रांडिंग मोड में चले जाना होगा, ठीक है गाइस। और यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना होगा और कुछ नहीं करना है। तो लाइट वाले PNG को हमें कुछ इस तरीके से एडिट करना होगा, ठीक है। बाकी की PNG मैंने आपको बताई उस तरीके से ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसकी डुप्लीकेट हमें बना देने की और इसको हमें नीचे कुछ तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर गाइस यहाँ से हमें डन कर देना होगा। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमारी पूरी फोटो जो एडिट हो जाएगी। तो गाइस इतना करने के बाद सिंपल सा हमें यहाँ इफेक्ट वाला टूल में आ जाना होगा, ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी हल्की सी डिटेल ऐड करेंगे और यहाँ एफेक्ट्स वाले इफेक्ट में आ जाना होगा, देन यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर इसको हमें जो है कम कर लेना होगा, करीबन इतना कर देना है, ठीक है। अभी गाइस यहाँ इरेज वाला टूल पर हमें क्लिक कर देना होगा और हमारे हेयर पर इस इफेक्ट को हमें इरेज कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी गाइस यहाँ से हमें डन कर देना होगा। सो यहाँ से भी हमें डन कर लेना है। सो गाइस फाइनली हमारी पूरी फोटो जो है यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब सारी PNG ऐड कर लेंगे तो आपकी फ़ोटो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप के वीडियो जो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा।